नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी सनातनी भाइयों को, बहनों को जय श्री राम। आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जब आप ये छह कार्य करने लग जाते हैं तो भगवान आपके अंदर विराजमान है, दिव्य शक्तियां जागृत हो रही है और आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। वैसे तो जो भी इंसान भगवान की पूजा अर्चना पाठ साधना सच्ची मन से करता है, उसके अंदर केवल ये छह गुण ही नहीं, बहुत सारे और भी गुण होते हैं, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इसके अलावा भी मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने छह जो मेन गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं उनको चुना है, रखा है। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल जिनको वाकई में ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच पाए ये वीडियो। आपका एक लाइक इस वीडियो को आगे बढ़ा सकता है। जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं वो लोग यूं ही प्यार बनाए रखें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहला लक्षण है, ऐसा इंसान अकेले रहना सीख जाता है, अकेले रहना पसंद करता है। अब अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने माँ बाप से या सबसे लड़ाई कर ली और मैं अकेले रहने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्त यारों से भी अलग हो जाए। यहाँ पर बात अकेले रहने का मतलब यही है कि जो इंसान सच्चा श्राधक होता है या जो इंसान सच्चा साधकी होती है, कोई भी साधक साधिका कोई भी इंसान हो, उसके अंदर एक ऐसा गुण आ जाता है कि वो चीज़ों को परखने के काबिल हो जाता है। ये शक्तियाँ, ये सिद्धियाँ, ये मंत्र उसको इस लायक बना देते हैं कि उसे पता चलने लग जाता है कि कौन से लोग उसके अपने हैं, कौन से पराए हैं। अब ऐसा इंसान आसानी से जब समझ जाता है तो वो फिर भगवान की सच्ची भक्ति में ही लीन होना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि बाहर का जो कुछ भी वो देख रहा है वो सब आडंबर है, दिखावा है, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना नहीं है। अंततः ये शरीर ईर्ष्या द्वेष लालच मोह माया से जो भरा हुआ है राख बन जाएगा। और ये सब जो लोग मेरे आसपास हैं ये भी तब तक है जब तक मेरे पास नेम और फेम है। तो ऐसे में इंसान अकेला रहना पसंद करता है। आपकी भाषा में आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे तो आप संन्यास भी बोल लेते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा उसे अपने आप का साक्षात्कार हो जाता है। दूसरी बात है, ऐसे इंसान को पूर्व का आभास हो जाता है, कभी भी उसके साथ कुछ गलत होने वाला होगा तो उसे पता चल जाएगा, उसके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो भी उसे पता चल जाएगा। अगर अच्छा बुरा सबका ज्ञान आपको होने लग जाए, कई कई मायनों में इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, उसकी आंख फड़फड़ाती है, उसके शरीर में हलचल होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे कुछ ऐसी तरीके से इंडिकेशन संकेत मिलते हैं जिससे वो समझ जाता है कि ये अच्छा है ये बुरे का इंडिकेशन है, तो पूर्व का आभास उसे होने लग जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे इंसान के कान में सोते चलते बैठते उठते जिस भी ईश्वर जिस भी इष्ट का वो जाप कर रहा है उसका मंत्र गूंजने लगता है। ऐसा इंसान सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही प्रसन्न करता है। जिस दिन भी वो पूजा पाठ साधना नहीं करेगा उसे लगेगा कि उसने आज खाना ही नहीं खाया है, यानी जिस तरीके से रोटी कपड़ा मकान आपकी जरूरत हो जाती उसी प्रकार से उस सेवक सेविका की जरूरत भगवान की भक्ति हो जाती है। ऐसा इंसान जो बोलता है वो होने लग जाता है। इसी के साथ साथ उसमें एक गुण और भी आता है, केवल बोलने से ही नहीं, बोलने से मतलब वाक सिद्धि आ जाती, ऐसे इंसान को दिव्य दृष्टि मिल जाती है और वह स्वतः ही सब कुछ देखने लगता है। आपने बहुत जगह ये चीज़ देखी होगी,
कि आप किसी भी इंसान के पास, साधक के पास या तांत्रिक के पास जाते हैं और आप देखते हैं कि उस इंसान से, उस तांत्रिक से, साधक से आप जो कुछ भी पूछेंगे वो आपको बता देगा तुरंत। पांचवा संकेत ऐसे इंसान की थर्ड आई पे यानी आज्ञा चक्र पर दर्द होता है, यानी आंखों के बीच का जो हिस्सा है जहां पर भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र होता है उस पर दबाव पड़ता है। दैट्स मीन वही आज्ञा चक्र यानी तीसरा नेत्र अब खुलने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का पूरा सार कि छठा नंबर ऐसे इंसान के अंदर परोपकार की भावना आ जाती है। ऐसा इंसान जानवरों से लगाव करता है, पेड़ पौधों से लगाव करता है, पशु पक्षियों से लगाव करता है और गरीबों से भी लगाव करने लगता है। क्या एनिमल, क्या पौधे, क्या इंसान, सबसे उसका लगाव हो जाता है। वो समझ जाता है कि सभी लोग समान है, ये निर्जीव है और कुछ भी हो जाएगा तो मेरा सिर्फ और सिर्फ अच्छा कर्म मेरे साथ जाएगा, बुरा कर्म का दंड जो होता है वो मैं पहले से भोग रहा हूँ, अभी भी भोगूंगा और लास्ट तक भी वो जुड़ के मैं उसको भोगता रहूंगा। सो आप लोग, सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, जो लोग स्पिरिचुअल अध्यात्म को सुनते हैं, वो लोग ना कि मेरे चैनल में, दूसरों के चैनल में, किसी भी चैनल से आप जुड़े हुए हैं, अच्छे हमेशा कर्म करिए। अच्छे कर्म के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, इसका कोई मोल नहीं होता है। अच्छे कर्म जब आप करते हैं तो आपको किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जिसकी शुरुआत और नींव झूठ से हो, फरेब से हो, वो कभी भी पार नहीं पा सकती है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस 7 मिनट के वीडियो को सुना। यूं ही प्यार बनाए रखिए। मैं अपने ईष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूँ कि आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगला मुखी।